Hello students this is GS Global Institute welcome to our free online classes in today's video i am going to teach you about reading module for ielts examination but before that if you have not subscribed to our channel yet please press subscribe button and if you want to get updates from our channel press bell icon too so students in today's lesson i am going to teach you how to solve reading module for that you have to keep two things in your mind first of all you have to read the heading of this passage and let us have a look heading is migratory beekeeping and the second important thing is to have a look on the questions before reading the passage okay so i will show you that there are three types of questions given here they are so like this so you can have a look that these are fill in the blanks type of questions but before that we should have a look on the statement too because reading the statement is quite important while you are solving any of the task so let us have a look on the question the flow chart below outlines the movement of the migratory by beekeepers as described in the reading passage Complete the flowchart, choose your answer from the box at the bottom of the page, and write your answers in the boxes 13 to 19 of your answer sheet. So, the thing that you have to keep in your mind. Is sometimes options are not given in the fill in the blanks type of questions, but sometimes they are given. So you have to find out the best suitable answer here. Okay, so you have to choose from here. You cannot write it on your own. If you will write it on your own, even if you have written S of your own, then your answer would be wrong. Okay, so you have to choose from here and you have to choose that carefully. ओके एंड द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस गिवन हियर आर टू फिल इन दिस डायग्राम और टू लेबल दिस डायग्राम ओके सो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको डायग्राम को लेबल करना होता है तो वो एक पर्टिकुलर पैसेज में गिवन होते हैं और हमें उस पैसेज में से ध्यान से देखना पड़ता है कि किस चीज़ को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं और अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से जो बेस्ट सुटेबल आंसर होता है वो हम लिखते हैं वहाँ पे ठीक है एंड द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस पैसेज इज़ यस नो एंड नॉट गिवन ओके सो यू हैव टू लुक हेयर केयरफुली कि यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिखा है या फिर यस yes, नो no लिखा है ओके okay, सो so इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं ठीक है जैसे कि जो येस नो और नॉट गिवन है इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द इजिप्टियंस की बीज ऑन द बैंक ऑफ नाइल सो इजिप्टियंस एंड नाइल द टू की वर्ड्स है जो चेंज नहीं हो सकते ठीक है नाइल जो है एक रिवर का नाम है और इसके आगे द लगा हुआ है दैट मीन्स इट इज़ समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट और ये हमें पैसेज में एज इट इज़ ही मिल जाएगी ठीक है सिमिलरली जो वर्ड एजिप्टियस हैं वो भी हमें पैसेज में एज इट इज़ मिल जाएगा और हमें लोकेट करना आसान होगा कि हमारा आंसर जो है वो कहाँ पर होगा ठीक है वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपको सारे क्वेश्चन एक साथ रीड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम इतने सारे क्वेश्चंस को एक साथ रीड कर लेते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उन सारे क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रखना और उनके आंसर्स को ढूंढना ठीक है सो द बेस्ट थिंग इज टू फाइंड अ कीवर्ड एंड टू हैव इट इन योर माइंड दैट दिस थिंग इज दैट यू आर लुकिंग फॉर ठीक है जैसे कि अब यहाँ पर एक क्वेश्चन के हमने की वर्ड्स को अंडरलाइन किया है ठीक है जो सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज फर्स्ट अटेम्प एट माइग्रेटरी बी कीपिंग इन अमेरिका वॉज अनसक्सेसफुल ठीक है दैट मीन्स समथिंग यू आर टॉकिंग अबाउट अमेरिका तो आप अमेरिका को अंडरलाइन कर सकते हो यहाँ पर और ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ एक ही साथ में आंसर करना है ठीक है आपने पहले दो क्वेश्चन को जो है मार्क कर लेना है जब आपको इन दो क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन आफ्टर यू कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि हमारे नाइनटी फाइव परसेंट चांसेज होते हैं कि जो हमें आंसर मिलता है एक ही क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो इस क्वेश्चन के बाद ही मिलेगा हमें पैसेज के अंदर सिमिलरली इस क्वेश्चन का आंसर इस आंसर के बाद मिलेगा ठीक है सो वी कैन फॉलो एन ऑर्डर सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू अंडरलाइन ऑल द कीवर्स एट द सेम टाइम ठीक है आप अलग अलग भी उसको कर सकते हो अगर आपने इन दोनों को पहले अंडरलाइन कर लिया इवन देन इट इज़ नॉट अ बिग इशू ठीक है सो ये वाला जो क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स वाला इसमें भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है दो सेंटेंसेस के दो क्वेश्चंस के अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके चलो ठीक है जैसे कि यहाँ से ये यह कहाँ स्टार्ट हो रहा है इन मार्च ठीक है सो मार्च इज़ अ कीवर्ड जहाँ पर आपको ये आंसर मिलने के चांसेज हैं ठीक है ठीके? तो मार्च में क्या होता है बी कीपर्स डैश फॉर माइग्रेशन एट नाइट वेन द हाइव्स आर डैश ठीक है so, सो आप हाइव्स को भी अंडरलाइन कर सकते हो तो वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा जहाँ पे मार्च की बात की गई होगी ठीक है so, सो अब हम चलते हैं हमारे पैसेज के ऊपर ठीक है और साथ, सा, साथ साथ हम इसके आंसर्स को फाइंड करते जाएंगे ओके अगर हम पैसेज को देखें तो सबसे पहली बात होती है हेडिंग को रीड करना हेडिंग को हम रीड कर चुके हैं अब हम चलते हैं कि हम इस पैसेज को सॉल्व कैसे करेंगे सो दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा इज रिटन ओवर हियर इफ़ यू वांट टू रीड देन यू कैन रीड बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट आई थिंक सो हम डायरेक्टली पैसेज से भी शुरू कर सकते हैं ठीक है ऑफ़ द टू थाउजेंड कमर्शियल बी कीपर्स इन द यूनाइट स्टेट्स अबाउट हाफ माइग्रेट दिस पेज ऑफ इन टू वेज मूविंग नॉर्थ इन द समर एंड साउथ इन दिंटर ठीक है सो ये कह रहे हैं कि जो कमर्शियल बी कीपर्स हैं वो तकरीब जो हैं दो हजार कमर्शियल बी कीपर्स यूनाइट स्टेट्स में हैं और उसमें से हाफ जो है वो माइग्रेट करते हैं हर साल कुछ नॉर्थ में माइग्रेट करते हैं समर के अंदर और कुछ साउथ में माइग्रेट करते हैं विंटर के अंदर लेट्स बीज वर्क लॉन्गर ब्लूमिंग सीजन जिसकी वजह से जो बीज हैं वो सारा साल बीज यानी कि मधुमक्खियाँ जो हैं वो सारा साल ही काम करती रहती हैं ठीक है मेकिंग मनी मेकिंग मोर हनी एंड मनी ठीक है जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा हनी भी बना पाती हैं और मनी भी बना पाती हैं फॉर देयर कीपर्स सेकेंड बी निया में मूव अपू वन सिक्सटी मिलियन बीज टू फ्लारिंग फील्ड ठीक है, है. Spring, bee, तो हर साल तकरीबन एक सौ साठ बिलियन मधुमक्खियों को जो है फ्लारिंग फील्ड्स के अंदर ले जाया जाता है अपने काम करने के लिए पॉलीनेटिंग करने के लिए ठीक है एंड एवरी विंटर हिज फैमिली मे हॉल द हाइव्स बैक टू द कैलिफोर्निया वेयर फार्मर्स विल रेंट द बीज टू पॉलीनेट आमंड एंड चेरी ट्रीज ठीक है सो ये इन दो कामों के बारे में बताया गया है कि एक तो वो फार्मर्स की हेल्प करती हैं और दूसरा हनी को एक्सट्रैक्ट करने में मदद करती हैं ठीक है ठीके? अब हम चलते हैं आगे माइग्रेटरी बी कीपिंग इज़ नथिंग न्यू माइग्रेटरी बी कीपिंग जो है वो एक नया कन्सेप्ट नहीं है द एशियंट इजिप्ट सो इजिप्टियंस जो है वो हमारा एक कीवर्ड है और जब हम क्वेश्चनस को अंडरलाइन कर रहे थे उनके कीवर्ड्स को तो तब हमने वहाँ पे एक वर्ड इजिप्टियंस को भी अंडरलाइन किया था अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ कि क्या क्वेश्चन जो था वो वहाँ पे गिवन था सो हियर इज़ द क्वेश्चन ये यस नो और नॉट गिवन कैटेगरी में था और क्वेश्चन क्या है द इजिप्टंस कीप बीज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द नाइल कि जो इजिप्टियंस हैं वो बीज को मधुमक्खियों को नायल नदी के किनारे रखते हैं ठीक है सो लेट अस हैव अ लुक कि ये यस yes है नो no है या फिर नॉट गिवन है ठीक है so, सो यहाँ से हम रीड करते हैं एंशियट इजिप्ट क्या करते थे मूव्ड क्ले हाइव्स प्रॉबेबली ऑन ग्राफ्ट्स ठीक है तो वो क्ले हाइव्स को मूव करते थे प्रॉबेबली ऑन ड्राफ्ट्स ग्राफ्ट एक तरह की लकड़ की बोट्स होती हैं डाउन द नाइल टू फॉलो द ब्लूम वो नाइल से नीचे जो है लेके आते थे डाउन द नाइल हेयर मीन्स कि नाइल को क्रॉस नाइल से क्रॉस करवाते थे टू फॉलो द ब्लूम एंड नेक्टर फ्लो एज इट मूव टूवर्ड्स कैरो ठीक है? लेकिन इसमें कहीं भी ये बात नहीं हुई है कि वो नाइल के किनारे वहां पे उसको रखते थे या फिर नहीं रखते थे ठीक है सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट गिवन, के सो so, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अगले क्वेश्चन के कीवर्ड्स को साथ में लेके चल सकते हो जैसे कि यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है अमेरिका ठीक है सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन बीस कीप हनी फॉर देम इन द बॉटम ऑफ हाइव ठीक है सो दैट मीन्स बीस डेम सेल्स बॉटम हाइव दीज आर द कीवर्ड्स फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन सो अब हम चलते हैं हमारे पैसेज के ऊपर वापस ठीक है so, सो यहाँ पे था तो क्या हुआ इन द एटीन एटीज़ नॉर्थ अमेरिकन अब यहाँ पे आ गया अमेरिकन वर्ड अगर हमें ध्यान हो तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन था उसमें कीवर्ड था अमेरिका ही ठीक है सो अब हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे सो so, क्वेश्चन क्या था फर्स्ट अटैम्प्ट एट माइग्रेटरी बी कीपिंग इन अमेरिका वर अनसक्सेसफुल यानी कि सबसे पहले जो अटैम्प्ट किए गए थे वो अमेरिका के अंदर किए गए थे और वो अनसक्सेसफुल थे ठीक है सो अब हम यहाँ से पैसेज में से रीड करते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सो हेयर इट इज़ रिटर्न इन द एटीन एटीज़ अठारह सौ अस्सी में क्या हुआ नॉर्थ अमेरिकन बी कीपर्स एक्सपेरिमेंटेड विद द सेम आइडिया ठीक है सो वहाँ के जो बी कीपर्स थे उन्होंने भी इसी आइडिया को एक्सपेरिमेंट किया मूविंग बीज ऑन द बाग्स अलॉन्ग द मिसिसिपी एंड ऑन द वॉटर फेज इन फ्लोरिडा ठीक है तो उन्होंने वॉटर वेज के थ्रू उसको मूव करने की कोशिश की बट दे लाइटर वुडन फॉलिंग इन टू ठीक है सो वह उनके जो हाइव्स थे वो पानी के अंदर गिर गए अदर कीपर्स ट्राइड द रेल रोड एंड द हॉर्स ड्रॉन वैगन्स बट दैट डिडेंट प्रूव प्रैक्टिकल ठीक है इसका मतलब कि वो पॉसिबल नहीं हो पाया नॉट अनटिल 1920। ठीक है so, सो जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ नॉर्थ अमेरिका में वो सक्सेसफुल नहीं रहा तो हमारा जो आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का दैट शुड बी यस ओके फिर हम अगले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं बीस कीप हनी इसके तो हम कीवर्ड्स को मार्क कर चुके हैं फिर हम अगले क्वेश्चन के कीवर्ड्स को मार्क कर लेंगे द हनी इज स्पन टू मेक अ लिक्विड ठीक है सो फिर अब हमने इसको भी हाईलाइट कर लिया कीवर्ड्स को सो so अब हम चलते हैं हमारे पैसेज के ऊपर ठीक है not until the 1920s when cars and trucks became अफोर्डेबल एंड रोज इम्प्रूव डिड माइग्रेटरी बी कीपिंग बिगिन टू कैच ऑन तो उसके बाद उन्नीस से बीस के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया ठीक so, है फॉर द कैलिफोर्नियन बी कीपर द पॉलीनेशन सीजन बिगिन इन फेबररी सो जो कैलिफोर्नियन बी कीपर्स हैं उनके लिए जो सीज़न है वो फेबररी में शुरू होता है एट दिस टाइम द बी है आर इन प्रैक्टिकल इन अ पर्टिकुलर डिमांड बाई फार्मर्स हु हैव आमंड ग्रूस दे नीड टू हाइव्स एन एकर सो इस मैसेज की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक हमें कोई भी कीवर्ड नहीं मिला है ठीक है फिर अब हम आगे रीड करते हैं फॉर फॉर द थ्री वीक लॉन्ग ब्लूम बी कीपर्स कैन हायर आउट देयर हाइव्स फॉर डॉलर थर्टी टू ईट इट्स वो फॉर द बीज टू मोस्ट पीपल कंसिडर आमंड हनी टू बिटर टू ईट सो बीज कैन गेट इट टू ल्व ठीक है सो यहाँ तक तो अभी हमें कोई भी कीवर्ड नहीं मिला है सो so, हम आगे के पैसेज की तरफ जाते हैं बाय अर्ली मार्च सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर भी जो कीवर्ड था दैट वॉज मार्च सो अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे कि क्वेश्चन क्या था तो मार्च में क्या होता है बी कीपर्स डैश फॉर माइग्रेशन एट नाइट एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब आप इस तरह के द ब्लैंक्स कर रहे हो तो आपको एज इट इज आंसर नहीं मिलेगा आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना पड़ेगा फिर पैसेज को अच्छे से रीड करना पड़ेगा और फिर आप जो है बेस्ट सूटेबल आंसर उन गिवन जो वर्ड्स हैं उनमें से फाइंड कर पाओगे ठीक है so, सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मार्च के अंदर क्या होता है बी कीपर्स डैश फॉर माइग्रेशन एट नाइट कि वो रात को माइग्रेशन के लिए डैश करते हैं ठीक है व्हेन द हाइव आर डैश एंड द बीज आर जनरली ट्रैंक्ल ट्रैंक्ल का मतलब होता है शांत जब बीज जो हैं वो शांत होती हैं तब वो करते हैं तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि यहाँ क्या जो है पैराग्राफ के अंदर गिवन है ठीक है इट इज़ द टाइम टू मूव द बीज ठीक है सो ये वो टाइम होता है जब बीज को उनकी जगह से ले जाया जाता है इट कैन टेक अप टू सेवन नाइट्स टू पैक द फोर थाउजेंड और सो ठीक है सो तकरीबन जो फार्मर्स हैं जो बी कीपर्स हैं उनको सेवन नाइट्स लगते हैं पैक करने के लिए ठीक है दैट मीन्स कि वो कुछ पैकेजिंग की बात होगी यहाँ पे, ठीक है कितनी बीज वो पैक करते हैं तकरीबन फ़ोर थाउजेंड और सो नॉट बीज हाइव्स लिखा हुआ है यहाँ पे कि उतने जो बड़े 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 बंडल्स होते हैं जिनमें वो बीज को पैक करते हैं उनको हाइव्स बोला जाता है कि वो उनको चार हज़ार या कुछ इस तरह पैक करने पड़ते हैं जिसके लिए उनको सेवन नाइट्स लग जाते हैं दैट कीपर मे ओन दीज आर नॉट मूव्ड इन द मिडल ऑफ द डे बिकॉज टू मैनी ऑफ द बीज वुड एंड अप होमलेस बट एट नाइट ठीक है लेकिन उनको जो है रात को मूव किया जाता है द हाइव आर स्टैक्ड ऑन टू वुडन प्लेट्स तो जो हाइव्स हैं यानी कि जो डिब्बे हैं जिनके अंदर उसको पैक किया जाता है वो वुडन प्लेट्स के ऊपर ही स्टैक कर दिए जाते हैं यानी कि एक के ऊपर एक रख दिए जाते हैं बैक टू बैक इन सेट्स ऑफ फोर एंड लिफ्टेड ऑन टू ट्रक और उनको ट्रक में डाल दिया जाता है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू वीअर ग्लव्स और बी कीपर्स वेल बिकॉज द हाइव आर नॉट बींग ओपनड ठीक है तो उस टाइम पर जरूरी नहीं होता उनके लिए ग्लव्स पहनना क्योंकि हाइव ओपन नहीं होते उनका जो छत्ता होता है वो खुला नहीं होता एंड द बीच शुड रिमेन रिलेटिवली क्वाइट ठीक है सो ट्रेंकुअल का मतलब भी क्वाइट था दैट मीन्स हमें आंसर यहीं पे मिलेगा हम इसका क्रक्स निकाल रहे हैं कि मोटा मोटा सेंट्रल आइडिया क्या है फिर हम उसमें से सूटेबल आंसर फाइंड आउट करेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हमें एग्जैक्ट वर्ड जो है वो पैराग्राफ में से नहीं मिलता है ठीक है जस्ट केस सम आर स्टिल अलाइव बीज कैन बी पेसिफाइड विद द फ्यू पफ्स ऑफ स्मोक अगर फिर भी कुछ मधुमक्खियाँ जो हैं वो लाइवली रह जाती हैं तो फिर उनको एक स्मोक का ब्लोन दे दिया जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाती हैं ठीक है सो so, अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर सो क्वेश्चन क्या है इन मार्च बी कीपर्स डैश फॉर माइग्रेशन एट नाइट जहाँ तक हमने पैराग्राफ में से पढ़ा तो वो नाइट में पैकेजिंग करते हैं ठीक है सो so, यहाँ पर क्या है पैकेजिंग वर्ड है हम ढूंढते हैं इज स्मोक मोस्ट सूटेबल हीयर इन मार्च बी कीपर्स जो है बैरल्स इज नॉट सूटेबल हीट ऑफ पॉलिनेट कॉम्स फुल केमिकल्स प्रोटेक्शन लाइट मशीन्स स्क्रीन एम टी पे चार्ज स्प्लिट सपर्स प्रिपेयर इज द करेक्ट वर्ड हेयर बिकॉज यू कैन राइट इन मार्च बी कीपर प्रिपेयर फॉर माइग्रेशन एट नाइट ठीक है तो वो रात को प्रिपेर करते हैं माइग्रेशन के लिए वेन द हाइव आर डैश ठीक है जब हाइव्स जो हैं वो उन्होंने बोला ना कि वो दिन टाइम कुछ नहीं करते हैं और रात को जब सारी हनी बीज जो होती हैं वो सेट हो जाती हैं फिर उसके बाद वो उनको उठाते हैं ठीक है so सो यहाँ पे जो सूटेबल वर्ड है वो हम चूज़ करेंगे कि क्या हो सकता है द हाइव्स आर स्मोक नो बैरल्स नो सेट ऑफ पॉलिनेट कॉम्स नो फुल फुल इज़ द राइट वर्ड हियर जब हाइव्स फुल हो जाती हैं और जो बीज हैं दे आर ट्रैंक्ल यानी कि क्वाइट होती हैं वो शांत होती हैं तब वो उनको उठाते हैं सो फुल इज़ द राइट वर्ड हेयर अ लिटल डैश कैन इंश्योर दिस इज़ द केस तो हमने पढ़ा था कि जो बीज हैं वो अगर कुछ शांत नहीं होती तो उनको स्मोक का एक ब्लो जो है वो दे दिया जाता है सो हेयर द करेक्ट वर्ड शुड बी स्मोक हम यहाँ पे मैच करेंगे कि हमें वो एग्जैक्ट वर्ड मिल जाए सो so, दिस वन इज द फर्स्ट वर्ड ठीक सो स्मोक इज द राइट आंसर ही सो हम यहाँ पे लिखेंगे स्मोक ओके सो अब हम क्या करेंगे अगले क्वेश्चन को जो है अंडरलाइन कर लेंगे द ट्रांसपोर्ट देर ट्रांसफोर्ट देयर हाइव टू ऑरेंज ग्रूव्स वेयर फार्मर्स डैश बी कीपर्स फॉर प्लेसिंग दैम ऑन देअर लैंड ठीक है सो ऑरेंज ग्रोव्स जो है वो हमारा एक कीवर्ड हो गया और फार्मर्स जो हैं वो बी कीपर्स को वहाँ पर अपनी लैंड पे बीज को रखने देते हैं ठीक है बट हेयर इज़ ए ब्लैंक सो हम देखेंगे कि कहाँ पर जो है ऑरेंज ग्रूव्स की फार्मर्स की और बी कीपर्स की बात हो रही है ठीक है सो दिस इज़ द पैराग्राफ हेयर इन द न्यू लोकेशन द बी कीपर विल पे द फार्मर ठीक है सो यहाँ पे बी कीपर भी आ गया फार्मर भी आ गया बी कीपर जो हैं वो फार्मर को पे करते हैं टू अलाउ हिज बीज टू फीड इन सच प्लेसिस सच एज ऑरेंज ग्रूव्स सो हमें हमारा आंसर यहाँ पे मिलेगा कि जो बी कीपर्स हैं वो फार्मर्स को पे करते हैं ताकि वो बीज को अपने ऑरेंज ग्रूव्स के अंदर यानी कि जो उनके ऑरेंज का वहाँ पे गार्डन होता है वहाँ पे वो बीज को फीड करने दें इसके लिए बी कीपर्स फार्मर्स को पे करते हैं ठीक है लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आयल्स जो है वो आपको थोड़ा सा ट्रिक कर रहा है ठीक है यहाँ पे इन्होंने लिखा कि फार्मर्स जो हैं वो बी कीपर्स को क्या करते हैं सो so अगर बी कीपर्स जो हैं वो फार्मर्स को पे करते हैं सो so फार्मर्स जो होंगे वो उनसे लेते होंगे ठीक है पैसे सो so फिर आप इसको जो एग्जैक्ट वर्ड है अगर आप यहाँ से चूज करो सो वॉट शुड बी द एग्जैक्ट वर्ड हियर चार्ज ठीक है सो फार्मर जो हैं वो चार्ज करते हैं बी कीपर्स से ओके okay? सो so, अब हम अगले क्वेश्चन को रीड करेंगे आफ्टर थ्री वीक्स तीन हफ्तों के बाद क्या होता है द सपर्स कैन बी टेकन टू वेयर हाउस ठीक है सो वेयर हाउस थ्री वीक्स और सपर्स जो है ये कीवर्ड्स हैं इस क्वेश्चन के सो so, अब हम चलते हैं हमारे पैसेज के ऊपर द हनी प्रोड्यूस्ड देअर इज़ फ्रेगरेंट ठीक है सो वहाँ पर जो हनी प्रोड्यूस होता है कहाँ पर ऑरेंज ग्रोव्स के अंदर जहाँ पे हमने पहले बात छोड़ी थी वो बहुत ज़्यादा स्वीट होता है एंड कैन बी सोल्ड बाई बी कीपर्स टू इंकरेज द बीज टू प्रोड्यूस एज मच हनी एज पॉसिबल ड्यूरिंग दिस पीरियड द beekeepers open ओपन द and एंड स्टैक एक्स्ट्रा called कॉल्ड ठीक है सो यहाँ पे सप्पर्स की बात आई है ठीक है so, सो अब हमें ध्यान रखना है कि हमारा एक और क्वेश्चन अभी तक पेंडिंग है जिसमें हमने लेबल द डाइग्राम करनी है ठीक है so, सो वो क्वेश्चन जो है वो कहीं भी हमें स्पॉट हो सकता है ठीक है so, सो होता क्या है These temporary hive extensions contained फ्रेम्स ऑफ एम टी कॉम फॉर द बीज़ ठीक है सो इसका मतलब ये कुछ किसी तरह की स्ट्रक्चर को समझा रहे हैं सो so, अब हम चलेंगे हमारे जो लेबल्ड डायग्राम है उसके ऊपर सो so, इसमें हमने करना क्या है हमने बेसिकली ये फ़ाइंड आउट करना है कि, कि किस चीज़ की वो बात कर रहे हैं वो बी हाइव की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी जो इस पैसेज में भी बात हो रही है वो भी हाइव की ही हो रही है ठीक है सो फिर हमें ध्यान रखना है कि कैसे कैसे जो लेबलिंग है हमें वो बताई जा रही है तो इन्होंने बताया कि जो टेम्परेरी हाइव एक्सटेंशन हैं कंटेन फ्रेम्स ऑफ एम टी कॉम फॉर द बीज टू फिल विद हनी ठीक है सो so, इसका मतलब कि यहाँ पे जो अरेंज किया गया है दिस थिंग विच इज़ लेबल्ड एज ट्वेंटी वन सो ये क्या है दीज आर फ्रेम्स हियर ठीक है सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फ्रेम्स ओके okay, और ये क्या है कि उन्होंने क्या बोला कि फ्रेम्स फिल्ड ऑफ एम कॉम यानी कि यहाँ पे जो इसको जूम करके दिखाया गया है जो आपको एक कॉम की तरह लगेगा एक वेब की तरह लगेगा सो इसका आंसर जो है वो कॉम है ठीक है सो आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर्स इसके मिल रहे हैं ठीक है अब हमारी लेबलिंग क्या रहती है नीचे वाले बॉक्स की जो हमें एक बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है और इस वाली प्लेट की जो हमें एक प्लेट की तरह दिख रही है इसकी लेबलिंग रहती है अभी हमारे पास ठीक है हमें दो क्वेश्चंस जो हैं वो मिल गए हैं ठीक है सो अब हम चलते हैं पैसेज के ऊपर हेयर इट इज इन द ब्रूड चैम्बर बिलो ठीक है तो उन्होंने बता दिया कि नीचे जो एक चैम्बर है उसको ब्रूड चैम्बर बोला जाता है द बीज विल स्टैश हनी टू ईट लेटर ठीक है बीज वहाँ पे हनी को छोड़ेंगी बाद में लेने के लिए ठीक है सो अब अगर हम यहाँ पे देखें सो दिस इज अ ब्रूड चैम्बर तो इसका आंसर क्या होगा ब्रूड चैम्बर ठीक है यहाँ पे हनी आ, को इकट्ठा करती हैं बीज ठीक है

ठीक है सो इस तरह हमने पूरी डायग्राम को लेबल कर लिया ठीक है अब हम चलते हैं हमारे येस नो नॉट गिवन पे कि हमारा कोई क्वेश्चन यहाँ पे इग्नोर तो नहीं हो गया सो so, ये क्वेश्चन क्या था बीज कीप हनी फॉर देम इन द बॉटम ऑफ द हाइव सो ये जो क्वेश्चन है ये हमें एक्जैक्टली exactly यहाँ यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं ठीक है कहाँ जहाँ पे इन्होंने लिखा है कि द बीज विल स्टैश हनी टू ईट लेटर तो बीज जो हैं वो हनी को स्टोर करती हैं बाद में लेने के लिए ठीक है सो दिस इज अ कंप्लीट येस टू दिस क्वेश्चन ठीक है सो आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोई क्वेश्चन को स्किप ना कर दो जब आप एक पैराग्राफ को अटैम्प्ट कर रहे हो एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हो ठीक है सो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है द हनी इज़ पन टू मेक इट लिक्विड कि हनी को जो है स्पिन किया जाता है ताकि वो एक लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए ठीक है और बाकी के हमारे जो क्वेश्चन अभी रहते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसमें थ्री वीक्स की बात होगी ठीक है सो अब हम चलते हैं पैसेज के ऊपर फिर से सो हियर इट इज थ्री वीक्स लेटर द हनी कैन बी गैदर्ड सो यहाँ पे हमारा एक की वर्ड मिल गया थ्री वीक्स ठीक है अब हम इस पैसेज को रीड करेंगे और फिर हम उस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि उसमें हमें पूछा किया गया था फाउल स्मेलिंग केमिकल्स आर ऑफ्टन यूज टू इरीटेट द बीज एंड ड्राइव दैम डाउन इन टू द हाइव बॉटम बॉक्सेज ठीक है सो किया क्या जाता है कई बार एक स्मेलिंग केमिकल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं ताकि बीज जो हैं वो कॉम्ब के ऊपर चिपके ना और नीचे अलग हो जाएं ताकि उनको हनी सेपरेशन के टाइम कोई दिक्कत ना आए लिविंग द हनी फिल्ड सुप मोर और लेस बी फ्री ठीक है और जो सप्पर्स उनके हैं जिनमें उन्होंने हनी को कलेक्ट किया है वो बिल्कुल ही बी फ्री हो जाए ठीक है

जो है वो हो सकता है द सपर्स आर टेकन टू द वेयर हाउस और फिर उनको वेयर हाउस में ले जाया जाता है ठीक है वेयर हाउस इज़ अ की वर्ड जो हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया था ठीक है जहाँ पे क्या होता है वेयर डैश आर यूज टू रिमूव द वैक्स ठीक है सो यहाँ पे वैक्स की बात होगी तो हमने वैक्स का ध्यान रखना है कि कहाँ पे जो है उसकी बात हो रही है इन द एक्सट्रैक्टिंग रूम द फ्रेम्स आर आउट एंड लोअर्ड अन टू द अन कैपर वेयर द रोटेटिंग ब्ले शेव अवे द वैक्स ठीक है सो जो रोटेटिंग ब्लेड्स हैं वो वैक्स को शेव अवे कर देते हैं

सो so, अब हम यहाँ पे देखें सो द क्वेश्चन इज वेयर डैश आर यूज टू रिमूव द वैक्स ठीक है सो क्या यूज किया जाता है हम इसमें से चूज करेंगे बैरल्स नो बैरल्स में तो वो बाद में फिल किया जाता है सेट ऑफ पॉलिनेट कॉम्स फुल केमिकल्स प्रोटेक्शन लाइट मशीन्स मशीन्स इज द राइट आंसर हियर कि उस को जो है मशीन्स की हेल्प से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वैक्स को जैसे इन्होंने बताया कि ब्लेड्स की मदद से उसको किया जाता है और पूरी मशीनरी को उन्होंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया एंड एक्सट्रैक्ट द हनी फ्रॉम द और हनी को किस चीज़ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है सो so हम पैसेज में देखेंगे जो लास्ट लाइन है उसमें लिखा गया है कि द हनी आउट देयर इट इज़ हनी आउट सो अगर हम पूरी लाइन को रीड करें सो so, यहाँ पे लिखा गया है अ स्विच इज़ फ्लिप्ड एंड फ्रेम्स बीइंग बिगिन टू वर्ल्ड एट 300 हंड्रेड रेवोल्यूशन्स पर मिनट कि एक स्विच को ऑन किया जाता है और जो फ्रेम है वो 300 हंड्रेड रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से घूमने लग जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हनी को आउट ऑफ द कॉम्स निकाल देती है ठीक है so, सो हनी कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है कॉम्स से ठीक है अब हम देखेंगे कि हमें एग्जैक्ट यहाँ पे वर्ड मिलता है कॉम्स सो यस ठीक है सो इसका जो आंसर होगा दैट इज कॉम्ब ओके सो अब हमारा ई e क्वेश्चन रहता है दैट इज आफ्टर द हनी कलेक्शन द ओल्ड हाइज आर रिजेक्टेड की हनी कलेक्शन के बाद जो पुराने हाइज होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है गुड डबल हाइव्स आर डैश ठीक है और जो अच्छे हाइव्स होते हैं उनको डैश किया जाता है एंड रिक्विन्ड किया जाता है ठीक है so, सो इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने से पहले जो हमारा एक यस नो नॉट गिवन वाला क्वेश्चन लेफ्ट है हम उसको भी देखेंगे सो so, यहाँ पे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दैट इज द हनी इज़ स्पन टू मेक इट लिक्विड सो इसका आंसर है नो no. ऐसा क्यों है क्योंकि जो पैराग्राफ है यहाँ पे अगर आप देखो सो हेयर इट इज़ रिटन दैट कि जो हनी के फ्रेम्स हैं उनको स्वर्ल किया जाता है उनको वर्ल किया जाता है 300 हंड्रेड पर मिनट के हिसाब से और हनी जो है वो कॉम्स से बाहर आ जाता है ठीक है लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया कि हनी को जो है आगे स्पिन किया जाता है ठीक है सो दैट इज़ वाई द आंसर इज़ नो ठीक है अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पैसेज के ऊपर ताकि हम अपना लास्ट क्वेश्चन जो है उसको फाइंड आउट कर सके आफ्टर दिस अप्रोक्सीमेटली अ क्वार्टर ऑफ द हाइव वीकेंड बाई डिजीज माइट्स और एजिंग और डेड क्वीन विल हैव टू बी रिप्लेस्ड सो बहुत सारे हाइव जो हैं वो एक्सट्रैक्शन के बाद उनको रिप्लेस करना पड़ता है टू क्रिएट न्यू कॉलोनीज हेल्दी डबल हाइव तो एक हेल्दी डबल हाइव जो है वो लिया जाता है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया ठीक है जिसमें लिखा गया था गुड डबल हाइव और उसको क्या किया जाता है वो हम यहाँ पे देखते हैं टीमिंग विद बीज कैन बी सेपरेटेड इनटू टू बॉक्सेस उसको सेपरेट किया जाता है टू बॉक्सेस में वन हाफ़ विल होल्ड क्वीन एंड अंग ऑलरेडी मीटेड क्वीन कैन बी पुट इन द अदर हाफ ठीक है सो ये तो हो गया कि जहाँ पर लिखा गया था कि उसको क्वीन किया जाता है ठीक है हेयर इट इज़ रिटर्न कि उसको रिक्वीन किया जाता है लेकिन उससे पहले उसको सेपरेट किया जाता है ठीक है यही बोला गया है कि गुड हाइव्स को हेल्दी डबल हाइव्स को सेपरेट किया जाता है सो so अब हम यहाँ पे वर्ड ढूँढेंगे सेपरेट जो सेपरेट वर्ड है वो यहाँ पे गिवन नहीं है ठीक है so सो आप उसका कुछ सब्सटीट्यूट ढूँढोगे कि उसका सब्सटिट्यूट क्या हो सकता है यहाँ पे ठीक है सो गुड डबल हाइव्स आर स्प्लिट ठीक है स्प्लिट इज़ बेस्ट सुटेबल ह्योर ठीक है कि जो डबल हाइव्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है इनका कहने का मतलब क्या था कि उसको दो चीज़ों में सेपरेट किया जाता है और सेपरेट की जगह पे यहाँ पे हम वर्ड स्प्लिट भी यूज़ कर सकते हैं सो so, इस तरह आपकी जो रीडिंग के सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी टाइम मैनेजमेंट है आपकी क्वेश्चंस को फाइंड करने की प्रॉब्लम है लोकेट करने की प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम्स जो है वो एक ही तरह से सॉल्व हो जाती हैं, जब आप सारे पैसेज को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो Okay, so students, this is the end of today's lesson. I will see you in the next lesson. Till then, if you liked our video, please press like button and do let me know whatever feedback you have in the comment section. Thank you so much.